तो अब ब्रेकअप पर होगी 10 साल की जेल। आप डरा रहे हो मेरे को। अगर आपने किसी लड़की को झूठ बोल के शादी का वादा करके अगर आपके साथ रिलेशन बना रहे हो तो फिर ये अपराध है। तो कल को मेरी गर्लफ्रेंड के पास कोई स्क्रीनशॉट होए तो मैं ये बता रहा हूँ कि झूठे किसी से कैसे बचे। तभी तो कह रहा हूँ बहुत फायदे वाली बात हो गया और अच्छा हो गया। तो वो एक केस डाल दे कि फर्स्ट डे से राहुल का इंटेंशन ही मेरे पे ये था कि उसको मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, शादी का उसने सोचा ही नहीं था। आप डरते, आप जाते, सारी चैट डिलीट करते, क्या पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे पकड़ लेंगे। कभी भी कोई चैट कोई स्क्रीनशॉट डिलीट मत करो। अगर ओयो में पुलिस आ गई तो पहले तो बताओ ये आपका ये पॉडकास्ट पापा देख रहे हैं क्या? नहीं, ये सेक्शन 69 क्या सोच के रखा था नाम। एक मिनट का साइलेंस। तो नमन सर, मेरी बहुत ज्यादा ना अभी फटी पड़ी है, तो मैं 20 साल का लड़का हूँ एंड बाकी जो यंगस्टर 20 साल का लगता तो नहीं भाई। ठीक है, सेफ्टी के लिए आप 24 ले लो यार। तो मैं 24 साल का हूँ और आज तक रिलेशनशिप रही नहीं है कोई, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी ना किसी दिन मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन गर्लफ्रेंड बनने से पहले हमारी सरकार ने हमें एक कुछ झटके दिए हैं बहुत खतरनाक, जिनकी वजह से मेरी फटी पड़ी है। तो ये क्या है, मतलब BNS और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय ये BSA का क्या है? देखो, भारतीय न्याय संहिता, BSA, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं अपन, लेकिन मुझे लगता है कि आपका सवाल बेसिकली ये है कि आप बीइंग अ बॉयफ्रेंड क्या ध्यान रखना चाहिए। सो मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मेरी गर्लफ्रेंड है एंड वी हैव थिंग्स टुगेदर, आज हमारा इंटरकोर्स होता है, बट उसके बाद अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ब्लैकमेल करती है शादी के लिए, तो उस केस में क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ सकते हैं मुझको या फिर क्या मेरे पास सॉल्यूशन है? देखो, तो इसके लिए अपन पहले डिस्कस करते हैं कि पुराना कानून क्या था। पहली बात तो जो नया कानून आया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 जुलाई 2024 से, यानी 30 जून 2024 तक जो FIR हो गई है तो उसमें पुराना प्रोसीजर चलेगा। तो पहले क्या होता था कि एस सच इंडिया के कानून में कोई सेक्शन नहीं था। ये होता था कि अगर आपने शादी का वादा किया है किसी को, उसके साथ रिलेशन बना लिए, तो वो मैक्सिमम आपके खिलाफ 376 के FIR दर्ज कराती थी और कहती थी कि मेरे को झूठ बोल के किया है। लेकिन वी ऑल नो कि सुप्रीम कोर्ट भी कई सारे जजमेंट में कहते आई है कि ऐसा नहीं होता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम नहीं मानेंगे जब तक लड़की ये प्रूव नहीं करते कि शुरुआत से उसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि उसको मेरे साथ रिलेशन बनाना है, शादी का तो वो झूठ बोलता था। अब जैसे एक मैरिड लड़की है और एक मैरिड लड़का है, ठीक है, तो अब अगर मैरिड लड़की उस पर 376 के एफआईआर दर्ज कराए कि मुझे शादी का झूठा झांसा दिया, तो कोर्ट भी कहती दोनों मैरिड हो, आपको पता नहीं है कि तू शादी नहीं कर सकती, तो फिर किस बात का आपका चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, बट अब 1 जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को लाया गया है और इंडियन पिनल कोड को हटा दिया गया है। उसमें पहली बार भारत के कानून में सेक्शन 69 को इंट्रोड्यूस किया गया और ये कहा गया है कि अगर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाते हो तो वो अब एक ऑफेंस है और 10 साल की सज़ा है। पहले ये सेपरेट ऑफेंस नहीं था। आपकी हंसी देख के मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका बहुत आगे मन बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठहरो और बातें बताऊँगा। सेफ्टी लेके जाओ, सेफ्टी बहुत तरह की होती है। खैर, तो भारतीय न्याय संहिता कहती है कि अगर आपने किसी लड़की को झूठ बोल के शादी का वादा करके अगर आपके साथ रिलेशन बना रहे हो तो फिर ये अपराध है। पहली बार ऐसा ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ आपके दर्शकों के लिए, तो अब ब्रेकअप पर होगी 10 साल की जेल। अब बचें कैसे, बचना भी मुझे बताना पड़ेगा, आप छोटे भाई हो यार। बचने के लिए देखो, मैं इस बात को नहीं कर रहा, ज़्यादा बताना चाह रहा कि कैसे हम अपने आप को सेव करें या वो करें। मैं ये बता रहा हूँ कि झूठे किसी से कैसे बचें, हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स किसेस। अगर आपको लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छा है, और आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मुझे उसके साथ सिर्फ रिलेशन बनाना है, आप प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर आगे रिलेशन बनते हैं, फिर आप सोचते हो शादी का, लेकिन आपके घर वाले मना कर देते हैं, तो वो एक केस डाल दे कि फर्स्ट डे से राहुल का इंटेंशन ही मेरे पे ये था कि उसको मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, शादी का उसने सोचा ही नहीं था, जबकि ऐसा आपका नहीं था। आपने तो सोचा ही नहीं कभी, आप तो शादी का सोचते थे, लेकिन आपके पिताजी नहीं मान रहे दूसरी जाति की लड़की लाने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो ये झूठा केस आप पे वो करेगी। तो इससे बचने के लिए आई वुड एडवाइज़ कि जब भी आप आपस में चैट कर रहे हैं, जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा क्लियर करें कि जो भी हमारे बीच में होगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी ही करेंगे। शादी करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, और अगर हम फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं तो हम दोनों के कंसेंट से बना रहे हैं और इसमें कोई भी शादी का वादा नहीं है। तो अगर आप ये चैट पे क्लियर लिख लोगे तो शायद आप अपनी सेफ्टी कर पाओगे। तो
तो मेरी दूसरी दिक्कत ही यही है। तो अभी जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट था उसको हाँ। चेंज करके बीएसए ला दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। हाँ। हाँ। तो अब बीएसए में नया रूल ऐड हुआ कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसमें आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको प्राइमरी इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जाएगा। हाँ। तो कल को मेरी गर्लफ्रेंड के पास कोई स्क्रीनशॉट हुए तो हाँ, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ बहुत फायदे वाली बात हो गई और अच्छा हो गया। पहले क्या होता था कि जैसे कोई एफआईआर होती ना, तो अब जैसे अगर आपको कानून नहीं पता था आप डरते, आप जाते सारी चैट डिलीट करते या फोटोज डिलीट कर देते, क्या पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे पकड़ लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको उसको सेव रखना होगा। अगर आपने उसको कहीं ना कहीं लिख रखा है कि भैया ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ कंसर्न के साथ कर रहा हूँ, और वो जो गर्लफ्रेंड है उसको ये बात क्लियर है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं शादी करूँगा, शादी का कोई मैंने उससे वादा नहीं किया है, तो वो एविडेंस आपका अब एज अ प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, उसको माना जाएगा, तो ये उल्टा आपके फेवर की बात हो गई। तो मतलब मैं गूगल का स्टोरेज ले लूँ ना बैकअप, सब स्टोरेज ले लो। और ज़िंदगी में भी कभी भी कोई चैट कोई स्क्रीनशॉट डिलीट मत करो। देखो आप अपने इंटेंशन ख़राब मत रखो, मैं आप मतलब आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ कि इंटेंशन ख़राब मत रखो। अगर आपका सच्चा प्यार है तो लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन शादी का वादा आप कर रहे हो और जानबूझ के किसी रिलेशन बनाना है तो वो अपराध है, आप गलत मत करो। और अगर आप सही हो तो आप अपनी चैट संभाल के रखो, फोटो संभाल के रखो। एंड ये पता नहीं आप यंगस्टर्स में आजकल क्या, वैसे मैं भी यंगस्टर हूँ वैसे, लेकिन एक थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए बोल रहा हूँ कि एक सारी फ़ोटोज़ है ना सेल्फी में खींचते हैं और ऑप्शन फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, पता नहीं क्या शौक है भाई क्यों करते हो। पहली बात तो ऐसे फ़ोटोज़ मत लो। और अगर कोई आपकी क्लोजनेस की फ़ोटो भी है, ठीक है प्यार में होता है, तो वो आप उसको अपने तक ही सेव रखो। व्हाई डू यू मेक इट वायरल। तो लोग ना PDAs पे बहुत विश्वास करते हैं। PDA का मतलब होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी हम अपना अफेक्शन है वो पब्लिकली रिवील कर रहे हैं, जो नरीमन पॉइंट पे देखते हैं। तो मेरा खुद का एक किस्सा है, अभी लास्ट ईयर मैं गोवा से बॉम्बे गया था, तो आई वॉज सिटिंग ऑन द मरीन ड्राइव और दो लोग दे वर किसिंग। तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, प्यार भी है, तो अगर इफ़ आई एम हगिंग हर या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं विच इज़ नॉट ऑब्सीन, विच इज़ टोटली नॉर्मल, तो उस केस में मेरे पे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है? मान लो कि कोई पुलिस वाला आके हमारी फोटो खींच के कहे कि घर वालों को फोन लगाओ या फिर इसके घर वालों को फोन लगाओ, तो उस केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन है? पहले तो ये बताओ ये आपका ये पॉडकास्ट पापा देख रहे हैं क्या? नहीं, फिर ठीक है, गर्लफ्रेंड की बात कर सकते हैं। ओके चलो, देखिए पब्लिक अफेक्शन की जहाँ तक बात है, भारत के कानून में ये डिफाइन है कि इट शुड नॉट बी ऑब्सीन। अब ऑब्सीन को सब्जेक्टिव टेस्ट है, लेकिन देखिए किसिंग और ये करना तो कोर्ट ने भी माना है कि इट्स एन ऑब्सीन। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ बैठे हो, आप सिर्फ एक अच्छे से वेदर में बैठ के उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट इज़ नॉट रॉन्ग। ऑब्वियसली आप किसिंग में जा रहे हो और आगे कुछ एक्ट कर रहे हो तो वो तो रॉन्ग ही होगा ना। अगर आपको ऐसा कुछ करना ही है तो आप जाइए किसी प्राइवेट प्लेस पे और वहाँ पे आपको जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ करना करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। पब्लिक में नहीं कर सकते क्योंकि ऑफेंस है, लेकिन वही चीज़ जो ऑब्सीन हो पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसको वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, पुलिस वाले आए धमकाया कि रुपये देने तो घर पर बता दूंगा, तो डर गए, उनको लगा उन्होंने गलत काम किया क्योंकि उन्होंने आपका ये पॉडकास्ट नहीं देखा था। ओके बस मेरा ना एक बहुत ही क्वेश्चन है, ये सेक्शन 69 क्या सोच के रखा था नाम? एक मिनट का साइलेंस जिन्होंने ये सेक्शन बनाया। एक मिनट का साइलेंस तो बनता है सेक्शन 69 के लिए। सो अब पर वैसे ऐसा क्यों, 69 में क्या रॉन्ग है? मैं तो नहीं समझ पाया, शायद मैं थोड़ा धीरे सोचता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये एक जेन जी स्लैंग है 69। अच्छा हाँ, पता नहीं भाई मैं तो जेन जी हूँ नहीं तो इट्स बेटर कि हम नहीं जानो। ये जेन जी पे छोड़ दो, जेन जी पे छोड़ दो, पता नहीं क्या 69, पता नहीं क्या होता है। मेरा एक सवाल है बड़ी देर से मन में, तो गर्लफ्रेंड भी चलो बन गई, सच्चा प्यार भी है और ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले लिए, बस 18 से कम की है? सवाल ही नहीं, यहाँ मैं मजाक को साइड में रख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जीवन में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़का या लड़की कोई भी हो, किसी के साथ भी किसी भी तरह का फिजिकल टच या रिलेशन नहीं होना चाहिए। भारत में 2012 में पॉक्सो कानून को लाया गया है जो ये कहता है कि 18 वर्ष से कम बालक या बालिका यानी बॉय या गर्ल के साथ कुछ भी करना इट्स एन ऑफेंस, ये अपराध है, तो कृपया करके ना करें। अब रही बात 18 से ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आधार कार्ड चेक करूं पहले? यस, यू शुड चेक आधार कार्ड। और अगर 18 से कम है, भले ही वो कंसेंट दे रही है आपको, कह रही कि राहुल मुझे तुम जैसा राहुल कहीं मिला ही नहीं आज तक, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, सदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती,
मैं कुछ नहीं कर सकता। आप डरा रहे हो मेरे को। यस, बिकॉज पॉक्सो है, वो कंसेंट भी है तो माना नहीं जाएगा। तो शादी कर लूँ? तो शादी भी कर लोगे तो क्या हो गया, ये तो पवित्र बंधन है। बहुत अच्छी बात है, आप राजस्थान से हो ना, तभी बाल विवाह की बात अभी कर रहा हूँ। आपको पता है बाल विवाह होते हैं हमारे यहाँ, गौना भी कर देते हैं, लेकिन पहली बार इस कानून में जो हम भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं, वहाँ पर रेप के डेफिनेशन में आया है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज इफ़ शी इज़ बिलो 18। यानी अगर वो 18 से ऊपर है वाइफ तो नहीं है, 18 से कम है तो, यानी आपकी वाइफ भी क्यों नहीं हो, आप 18 से कम के साथ किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो जैसा इक्वेशन ये है, ठीक है, प्यार भी है और 18 से ऊपर भी है और शादी वगैरह भी हो गई या फिर कहो चलो शादी नहीं है, प्यार भी है, 18 से ऊपर भी है और हम लोग ओयो गए हैं, कंसेंट भी है दोनों का, अगर ओयो में पुलिस आ गई तो कुछ नहीं, डरना ही नहीं है। ओयो में जाना है तो एक ही काम करो, दोनों का आधार कार्ड पहले चेक करो, 18 से ऊपर के होने चाहिए। अगर आप 18 के ऊपर से हो, दोनों का कंसेंट है, तो आपकी मम्मी पापा, लड़की के मम्मी पापा, पुलिस वाले या पुलिस वाले के मम्मी पापा, कोई किसी को नहीं रोक सकते, बशर्त आप 18 से ऊपर होने चाहिए। 18 से ऊपर होने के बाद दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोर्ट भी ये कहती है। 18 के बाद आप मेजर हो, आप जो चाहे डिसाइड करो, बशर्त कल लड़की ना पलट जाए कि भैया मैंने तो कंसेंट ही नहीं दिया, इसलिए व्हाट्सएप चैट पे और उससे पहले आप, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ गलत करने को, लेकिन अगर आप है तो आप यू शुड हैव समथिंग फॉर योर डिफेंस। नेक्स्ट टाइम आप जब बम्बल, हिंज, टिंडर, बम्बल, टिंडर, हिंज, ये कुछ सामाजिक सेवाएं के लिए बनाई गई ऐप्स है, सामाजिक सेवाओं के लिए, हमें क्यों नहीं पता ये सब, जेन जी इसके लिए आप क्या करोगे जान के? ठीक है, आपको हुकअप के बारे में पता है? वो गाना था आलिया भट्ट का, हुकअप कर लिया बस। ओके, सो बेसिकली एक जेन जी स्लैंग है, जिस तरह के मतलब लोगों के लिए ही सेक्शन 69 ऑफ BNS या फिर BSA के जो ये एक्ट लाए गए हैं, तो ये इसी प्रकार के कुछ सामाजिक तत्वों के लिए लाए गए हैं। तो आपके हिसाब से इन लॉस का आना जरूरी था या नहीं? बहुत ज़रूरी था। ओके, इट वॉज रियली नीडेड, कि क्योंकि बच्चों की शादियां कर देते हैं 15-16 साल में, उस बच्ची को पता ही नहीं कि क्या होता है, ज़बरदस्ती उसका हस्बैंड कर रहा है, क्योंकि गाँव में शादियाँ करते हैं 10 साल के डिफरेंस पे। अब 25 साल का लड़का और 15 साल की बच्ची, कैसे आप सोच सकते हो? दूसरा 18 साल से कम की बच्ची है तो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका एक बैकड्रॉप भी है, क्या होता है कि अब आप खुद सोचो कि एक लड़की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन की हो गई है, वो आपके साथ करे तो गलत, लेकिन वही लड़की 17 साल 11 महीने 30 दिन की हो गई तो सही। तो क्या भाई 30वें दिन एक लाइट लग गई, उसको ज़िंदगी में प्रकाश मिल गया कि अब जो मैं कर रही हूँ सही हूँ? तो कोर्ट ने भी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया कि ठीक है 2-5-6 महीने चलता है तो वो है, लेकिन अगर आप स्टेट कानून की बात करो तो 18 से कम इज़ अपराध। हमारे यहाँ ना ऐसी लड़कियों को निब्बी कहते हैं। जैसे एक बात बता दूँ, ये जो आप बात कर रहे हो ये हुकअप और 69, एक बात कहना चाहता हूँ, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना वहाँ पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं।